सुनाओ अडानी टोटल गैस लिमिटेड अब देखिए एक हजार चवालीस पर आज क्लोजिंग हुई और आज एक अच्छा खासा पैटर्न बनते बनते रह गया जो कि नहीं बन पाया और ये पैटर्न अगर बन जाता तो अच्छी खासी आज हमें तेजी देखने को मिलती है इस स्टॉक के अंदर खैर यहां पर अब क्या करने चाहिए क्या क्रिटिकल जोन में है यस yes, क्रिटिकल जोन में है अडानी टोटल का गैस तो अभी इस वक्त नई बाइंग करें या होल्ड करें इस स्टॉक को या नहीं तो आज के दिन अगर आप देखें तो अडानी टोटल गैस परफॉर्म तो अच्छा किया था लेकिन उसके बाद क्लोजिंग देखकर अच्छा नहीं लगा क्लोजिंग देखकर थोड़ा सा डर में बंद हुआ है थोड़ा सा पैनिक में बंद हुआ है अगर आप देखें एक्चुअल में अगर आप देखें तो तीन परसेंट की तेजी अगर आप अडानी एंटरप्राइज में एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो इसके अंदर भी एक्सपेक्टेशन होने चाहिए थी लेकिन वो सारी चीज़ें फिजल आउट हो गई अडानी ग्रीन भी अच्छा खासा ग्रीन में ही बंद हुआ है अडानी पावर तो ऑलरेडी अच्छा खासा है यहाँ पर जो स्टॉक है लो वैल्यूशन पर फंडामेंटल वर्क कर रहे हैं अगर आप देखें तो इस हिसाब से तो उधर तो तेजी बनी रही है लेकिन ऐसे आज की गिरावट में कुछ समझ में नहीं आया है ये एक रियलिटी है क्या यहाँ पर बेस बनाने की कोशिश कर रहा है उसके बाद चलेगा या फिर अभी भी क्रिटिकल जोन में लग रहा है ये स्टॉक तो अभी अगर आज का वॉल्यूम देखें ना क्लोजिंग क्या है एक हजार छियालीस पॉइंट पचानवे के अराउंड ठीक है निगेटिव क्लोजिंग ओपनिंग प्राइस था इसका एक हज़ार सत्तर उसके नीचे क्लोजिंग हुई है तो ये एक अच्छी क्लोजिंग तो नहीं मानी जाएगी और सपोर्ट के आसपास ये सपोर्ट के आसपास पास ये जब तक सपोर्ट का है तब तक सब कुछ है आप ये नहीं कह सकते कि वॉल्यूम नहीं हुआ आज पचपन लाख अड़सठ हजार का अ, 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 जो वॉल्यूम है वो यहाँ पर हुआ है और अच्छा खासा वॉल्यूम है और अगर आप इसे टर्न ओवर कन्वर्ट करेंगे तो 588 करोड़ का 10 ओवर जो है इससे स्टॉक के अंदर हुआ है 588 करोड़ का तो ये एक मायने रखता है और ये काफी मतलब है आज ना कुछ होता हुआ दिख ही नहीं है एक रेंज में स्टॉक रहा है तो जिसकी वजह से परेशानी थोड़ी सी बढ़ी थी और हमने समझा था कि हायर लेवल ये तक नहीं पाया आरएसआई वो अभी कहाँ पर है वो है अभी आपका 69 से 70 69 से 70 का आरएसआई इस वक्त चल रहा है तो अभी आप देखें तो कुछ बुरा नहीं है और कहें तो बहुत अच्छा नहीं है इसीलिए मैं कह रहा हूं क्रिटिकल जोन में अगर यहाँ से फिसलने हुए तो ये आपका 998, 996 का जो लेवल है वो टूट जाएगा ऐसे में आपका सौ रुपए की और गिरावट 100, 100, 100, 130 सौ की और गिरावट देखने को मिल जाएगी पॉसिबल है लेकिन अभी अगर तेजी होनी है तो आर भी ठीक है आप खराब नहीं कह सकते सत्तर का आर अगर तेजी होने लगेगी तो यहाँ से भी ये स्टॉक फोर्टीन हंड्रेड के अराउंड ये अभी भी दरवाजे ओपन है और उधर की तरफ ये बढ़ सकता है तो जो सेफेस्ट प्लेयर है ना जो मार्केट के अंदर जिन्हें अडानी टोटल गैस लेने में डर लगता है मैं अभी भी कह रहा हूं कि इसका रब ऑफ इफेक्ट ना पूरे सेक्टर पर लगभग लगभग पांच साल का डेटा अगर आप उठा के देख लेंगे किसी में भी कुछ हुआ ही नहीं है आई को उस वक्त हमने देख रहा था थ्री हंड्रेड के अराउंड आज भी मैं उसी लेवल पर देख रहा हूँ कुछ हुआ ही नहीं है अगर आप देखें गुजरात गैस पाँच साल कोई भी यहाँ पर जो है एक बेहतरीन रिटर्न बना कर नहीं दिया है स्टॉक तो ये भी एक मायने रखता है अडानी टोटल गैस की वजह से इन स्टॉक्स पर असर पड़ सकता है सेक्टर में री रेटिंग हो सकती है ये पॉसिबल है अडानी टोटल गैस की अगर बात करें तो इसका रव ऑफ इफेक्ट कहीं ना कहीं पड़ सकता है तो अगर आप सेफ बैट लेना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आपको इनकी तरफ गुजरात गैस लिमिटेड की तरफ आपको देखना चाहिए या फिर एम की तरफ आपको देखना चाहिए कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर कुछ सारे ऐसे मिल जाए तेजी के संकेत तो बेहतर है ये मतलब ए को देख कर इन स्टॉक्स में तेजी होगी जो पाँच साल से एक ही जगह पर पड़े हुए हैं तो आप चाहे तो ये सेक्टर ना कुछ करके दिखा सकता है आप इधर की तरफ देख सकते हैं तो फंडामेंटल तो कुछ नहीं बस मैं तो बस यही कहना चाहूंगा कि अगर बहुत पसंद है ना आप एसआईपी करिए अभी बहुत सारी चीज़ें हैं रोज रोज़ उसके बारे में क्या बात करें अभी आपका इलेक्शन है बाकी अभी आपका यहाँ पर जो है बजट है बाकी बजट तो खैर अलग चीज़ है इलेक्शन बाकी है तो इसके ऊपर देखें एक बड़ी तेजी बन सकती है अडानी बिलमार लिमिटेड में ये तीन महीने का जो एक्शन था अडानी बिल्मा लिमिटेड बिहार में कुछ आठ हज़ार करोड़ रुपए निवेश करने जा रही है तो उसके ऊपर भी जरा ध्यान दें उसने कोई भी रिटर्न बना के नहीं दिया है अडानी ग्रुप इससे एग्जिट करने की सोच रहा था लेकिन निवेश कर रहे हैं यही बड़ी बात है तो निवेश कर रहे हैं इसका मतलब एग्जिट का प्लान उनका दिख तो नहीं रहा है इस वक्त इस खबर से तो ये ध्यान रखिएगा कल हम अडानी विलमार के ऊपर बात करेंगे इसके ऊपर देखते हैं क्या निकल कर आ सकता है और फरवरी तक ये पता चल जाए कि अडानी ग्रुप निकल रहा है एग्जिट कर रहा है पूरी तरीके से या फिर स्टेक थोड़ी सी डायल्यूट कर रहा है तो ये पता चलेगा तो ए डब्ल्यू एल पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा फिलहाल ये आपका 996 नाइनटी ये एक बेस बनाने की कोशिश अगर ये टूटता है इसके नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है तब ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा ये वाकई में ये थोड़ा सा नेगेटिव हमारे लिए बैठेगा भले ही ये थोड़ा सा यहाँ पर घुमा फिरा कर इधर स्टॉक निकल जाए लेकिन लग नहीं रहा क्योंकि जो गिरावट है उधरी से थमी और जो ओपनिंग है वो आपके एक के नीचे नहीं हुई है ये भी जरा ध्यान रखिएगा एक हज़ार के नीचे ये स्टॉक नहीं गया है ओपनिंग भी हुई है और आज के दिन बस थोड़ा सा यहाँ पर जो है ना रेड में हमें देखना पड़ रहा ओपनिंग के नीचे क्लोजिंग हुई है चार रुपये नीचे तो बस हमें बस इतना सा ही है अदरवाइज ग्रीन में ये कैंडल भी बनती हुई दिखती फिलहाल हम यही कह सकते हैं नाइन नाइन्टी सिक्स हमारे लिए बहुत कुछ है लेवल अगर ये टूटता है पॉसिबल है ये जो गैप है ये फिल करने के लिए आए पॉसिबल है और वो है एट एट्टी के अराउंड अगर नाइन नाइन्टी सिक्स टूटता है तो पॉसिबल है उस वक्त ग्रुप के अंदर भी गिरावट चली होगी ये भी पॉसिबल है तो 880 एटी यहाँ पर जो है आपको लेवल दिख सकते हैं एक गैप है अगर स्टॉक को एक अच्छा खासा सपोर्ट चाहिए हो तो वो गैप के आसपास आकर लेगा ऐसे में लेकिन यहाँ पर थोड़ा ना डर और बढ़ जाएगा हजार के आसपास तो बहुत सोच समझ के लें वॉलीटिलिटी काफ़ी ज़्यादा है वॉलीटिलिटी आपको देखनी पड़ेगी जो ले रहा है वो लंबा नजरिया रखे और इसके साथ साथ एवरेज करने की ताकत भी उसके अंदर होनी चाहिए ये भी ध्यान रखें और अगर यहाँ पर जो है आपका 1250 का ऑलमोस्ट 1250 का हाई है अगर ये हाई जो अभी रिसेंटली हाई जो अभी टॉप बन गया है अगर ये निकल जाता है तब आपको एक बेहतरीन तेजी देखने को मिलेगी वो कहीं ना कहीं 1500 तक के दरवाजे जो ओपन है ना वो वही वाली बात वो वहीं पर जाकर रुकेगा ये स्टॉक फिर कहीं ना कहीं सो उम्मीद है आप इस बात से काफ़ी कुछ समझे होंगे आप क्या क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट से समझिएगा और अब दिख में जाए वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों